नमस्कार, गुजरात फर्स्ट में आपनुं स्वागत छे। समाचारो साथे हूं छुं जिंकल। पीएम मोदी बपोरे श्रीराम एरपोर्ट नुं उद्घाटन करशे। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन सुधी पीएम मोदी 8 किलोमीटर नो रोड शो करशे। अयोध्या में हाईटेक एरपोर्ट नुं निर्माण करवामां आव्युं छे। 6 जानुआरी थी फ्लाइट सेवा शुरू थशे। 2200 मीटर लांबो अने 45 मीटर पहोळो रनवे तैयार। 22 जानुआरी सौ प्लेन उतरवानी पण शक्यता छे। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन नुं पण उद्घाटन करवामां आवशे। एरपोर्ट थी स्टेशन ने जोड़ता फ्लाईओवर नो शिलान्यास करशे वडाप्रधान नरेंद्र मोदी। साधु संतोष शंखनाद वच्चे पीएम ने आशीर्वाद आपशे। वडाप्रधान नरेंद्र मोदी अयोध्या नी मुलाकाते अने आ दरमियान तेओना हस्ते उद्घाटन अने शिलान्यास ना कार्यक्रमों नो आयोजन। अयोध्या में एरपोर्ट अने रेलवे स्टेशन नु तेओ उद्घाटन करशे। अयोध्या ने शणगारी देवामां आवी रह्यु छे अने वडाप्रधान नरेंद्र मोदी ना आगमन नी राह जोवामां आवी रही छे। उल्लेखनीय छे के राम मंदिरनी प्राण प्रतिष्ठाने गणतरीना दिवसो बाकी छे अने ते पहेला पीएम मोदी अयोध्यानी मुलाकाते पहोंची रह्या छे अने आ दरमियान अयोध्यावासीओने ते अनेक विकास कार्योनी भेट आपवा जई रह्या छे। आजे अयोध्यामां एरपोर्टनुं उद्घाटन थशे, साथे ज नवनिर्मित रेलवे स्टेशननुं उद्घाटन पण वडाप्रधानश्रीना हस्ते थशे। आ दरमियान वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीनो अयोध्या धाममां 8 किलोमीटर लांबो रोड शो पण योजावानो छे। रोड शो ने लईने तमाम तैयारीओ थई गई छे। इसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। इस आनंदमय मंगलमयी अयोध्या को देख करके हम लोग इतने उत्साहित हैं, इतने मन में उत्साह हो रहा है कि मानो मोदी जी आकर के इस अयोध्या को पुनर अयोध्या के रूप में स्थापित करने वाले हैं। इस अयोध्या की स्थापिता को देख करके, और राम की नगरी इतनी सजी हुई है, राम की नगरी राम के नाम से जानी जाती थी, अभी तक रामलला टेंट में थे, अब मोदी जी ने ऐसा कार्य किया है जिसके द्वारा रामलला अब आ गए हैं मंदिर में, इसलिए हम लोग बड़े उत्साहित हैं। अयोध्या की हर नागरिक उत्साहित है, और इसलिए कहते हैं कि जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और एक हमारे बिहार के जो अवध जेकर नौआ बड़ा निक विदित अवध जेकर नौआ बड़ा निक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा निक लागे राघव जी के गौवा। सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, हनुमान परिकर वैष्णव समाजा, हनुमान परिकर वैष्णव समाजा, राम राम वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी आजे अयोध्या नी मुलाकाते पहोंचवाने छे, त्यारे अयोध्या नगरी ने सजावी देवामां आवी छे, खूब शणगारवामां आवी छे, तमाम तैयारीओ थई गई छे। वडाप्रधान ना आगमन नी हवे घड़ीओ गणाई रही छे। वडाप्रधान ना समग्र कार्यक्रम नी वात करिए, सवारे 10:45 पीएम मोदी अयोध्या एरपोर्ट खाते पहोंचशे, त्यारबाद सवारे 11 कलाके वडाप्रधान मोदी नो भव्य रोड शो योजाशे। जुदा जुदा 4 दृश्यो छे। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी ना आगमन नी तैयारीओ थई गई छे अने आ साथे ज नाचगान साथे वडाप्रधान नुं स्वागत करवामां आवशे। अयोध्या में वडाप्रधान एरपोर्ट अने रेलवे स्टेशन नुं लोकार्पण करवाना छे। आ साथे ज एक भव्य रोड शो नुं आयोजन करवामां आवशे। अयोध्या में भव्य रोड शो, लगभग 8 किलोमीटर लांबो आ रोड शो हशे, जेमां वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी जोड़ाशे अने आ रोड शो योजाशे। साथे ज नवनिर्मित एरपोर्ट अने नवनिर्मित रेलवे स्टेशन नुं लोकार्पण शिलान्यास वडाप्रधानश्रीना हस्ते थवानुं छे। वडाप्रधानना कार्यक्रम नी वात करिए, तेओ लगभग 10:30 एरपोर्ट पर पहोंचशे अने त्यारबाद 11 वागे आ रोड शो नी शरूआत थशे। तेमना आगमनने लईने अयोध्याने फूलोथी शणगारवामां आवशे। दृश्योमां जोई शकाय छे तमाम जे रोड रस्ता छे ज्यांथी आ रोड शो पसार थवानो छे, ત્યાં ફૂલોથી રસ્તાને શણગારી દેવામાં આવ્યા છે અને નૃત્ય સાથે તેઓનું સ્વાગત કરવામાં આવશે। ઉલ્લેખનીય છે કે રામ મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે, પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થવાની છે અને થોડા દિવસો પહેલા વડાપ્રધાન અયોધ્યાની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે અને અયોધ્યાવાસીઓને વિકાસ કાર્યોની ભેટ વડાપ્રધાનશ્રી આજે આપવા જઈ રહ્યા છે, ત્યારે વડાપ્રધાનના આગમનની રાહ જોવામાં આવી રહી છે। વડાપ્રધાન આવશે અને ત્યારબાદ એક ભવ્ય રોડ શો યોજાશે।
रोड शो ने लेने तमाम तैयारी करी देवामां आवी छे। आ साथे ज जे नवनिर्मित एरपोर्ट छे तेनुं लोकार्पण वडाप्रधानना हस्ते थशे, साथे ज जे रेलवे स्टेशन छे तेनो पण शिलान्यास उद्घाटन वडाप्रधान श्रीना हस्ते करवामां आवशे। आ पहेला ज जे एरपोर्ट अने रेलवे स्टेशन छे तेनुं नाम पण भगवान श्री रामने उद्देशीने आपवामां आव्युं छे। 831 एकरमां अयोध्यामां हाईटेक एरपोर्टनुं निर्माण करवामां आव्युं छे अने जेनुं उद्घाटन आजे पीएमना हस्ते करवामां आवशे। 2200 मीटर लांबो अने 45 मीटर पहोळो रनवे तैयार छे। तो अयोध्यावासीओने आ श्रीराम एरपोर्टनी भेट मळशे, नवुं नजराणुं श्री अयोध्यावासीओने मळशे। आ साथे ज रेलवे स्टेशन पण आजे मळशे। 6600 वर्ग मीटरमां टर्मिनल बिल्डिंगनुं काम लगभग पूर्ण थई गयुं छे। ये श्री अयोध्या धाम के लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर भाई मोदी आज अयोध्या धाम आ रहे हैं। ये निश्चित बात है, भगवान राम को उन्होंने आत्मसात कर लिया है, इसीलिए अयोध्या के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और योगी आदित्यनाथ जी दोनों ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अयोध्या के लिए समर्पित होकर के कार्य कर रहे हैं। आज अयोध्या जी में अंतर्राष्ट्रीय वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे और अयोध्या में बने हुए भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के अनुरूप यहाँ जो रेलवे स्टेशन बना है उसका भी उद्घाटन करेंगे और कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। अयोध्या सज रही है, संवर रही है, आनंदित है, आह्लादित है कि हमारा प्रधानमंत्री अयोध्या आ रहे हैं और जैसा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी, इसलिए ये प्रसन्नता है कि एक धर्मनिष्ठ, योगनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, राष्ट्रनिष्ठ देश का प्रधानमंत्री मिला है जो देश के लिए सोचता है। सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया को आत्मसात किया है और उसी को आत्मसात करके पूरे राष्ट्र का विकास करने पर रात दिन का चिंतन जो है 24 घंटे राष्ट्रीय चिंतन करने वाला ऐसा पहला प्रधानमंत्री देश को मिला है और पूरी अयोध्या प्रसन्न चित्त है, आनंदित है। हम लोग उनके स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए सारे अयोध्या के महात्मा उत्साहित है कि हम प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दें, उनके यशस्वी होने का, उनके आगे विकास करने के लिए उनको हम सभी लोग आशीर्वाद देंगे कि इसी प्रकार से देश का विकास, देश की प्रगति और देश को उत्तरोत्तर पूरे विश्व के सम्मेलन शिखर पर ले जाकर के बैठाने का प्रयत्न करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री को आज हम सभी लोग अयोध्या वासी, अयोध्या के संत महात्मा। 22 जानुआरी राम मंदिर नी प्राण प्रतिष्ठा योजाशे अने ते पहला वडाप्रधान नरेंद्र मोदी आजे अयोध्या पहोंचशे अने तेमना हस्ते लोकार्पण थशे। अयोध्या में हवाई अड्डा बना है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको रिकॉर्ड समय में 20 महीने में पूरा किया है। अयोध्या के लिए एयर कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आज हम सब बड़े ही खुश हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया परिवार पूरी तरीके से खुश है और मुझे पूरा विश्वास है कि अयोध्यावासी भी खुश होंगे। देशवासी जो अयोध्या आना चाहते हैं वो भी खुश होंगे कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा और देश को समर्पित किया जाएगा, जिससे लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा हो जाएगी। सर, लगता है लोग कहीं से भी आना चाहें डायरेक्ट अब अयोध्या की धरती पर, पावन धरती पर उतर सकते। हमें उम्मीद है कि ऐसे ही होगा, यहाँ से कनेक्टिविटी इतनी अच्छी इम्प्रूव होगी कि लोग जैसे भी आएंगे
देश कनेक्टिविटी देश की इम्प्रूव हो जाएगी। काफी सुविधाएं दिख रही सर, भव्य एयरपोर्ट नजर आ रहा है, कैसे देखते हैं? अच्छा है, कंज्यूमर के लिए, पैसेंजर के लिए बनाया गया। वैसे तो ये भी जो टर्मिनल बिल्डिंग है वो छोटी है, 6,500 स्क्वायर मीटर की है। अभी इसको भविष्य में बड़ा किया जाएगा, अगले 2-3 वर्षों के लिए पर्याप्त तो साबित हो ऐसे हमें विश्वास है। थैंक यू। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी आगमन ने लईने अयोध्यावासियों में उत्सुकता जोवा मळी रही छे। 22 जान्युआरी जयरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थशे त्यारथी आ राम मंदिर तमाम लोको माटे खुल्लू मुकवामां आवशे। लोकोने आ विकास कार्योनी भेट आपवा माटे आजे वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी अयोध्या की मुलाकाते पहोंचवाना छे। अयोध्यावासियों में उत्सुकता जोवा मळी रही छे। नाचगान साथे तेओ पीएमनुं आगमन माटे तैयार छे। आ साथे ज वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी एक भव्य रोड शो अयोध्या में योजावानो छे। अयोध्या में तमाम तैयारी थी गई छे। वडाप्रधान नी आगमन नी हवे घड़ियों गणाई रही छे। आ साथे ज अयोध्या में प्रवासन ने वेग मळे। देश विदेश माथी तमाम लोको भगवान श्री राम ना दर्शन करी शके अने सरळताथी आवी शके ते माटे अयोध्या में ज एक एरपोर्ट अने रेलवे स्टेशन नुं उद्घाटन थवानुं छे अने ते पण वडाप्रधान ना हस्ते थवानुं छे। आजे अयोध्यावासियों ने अनेक विकास कार्यों नी भेट पीएम आपशे अने आपवा माटे अयोध्या खाते पहुंचे। लगभग 10:30 वडाप्रधान अयोध्या एरपोर्ट खाते पहुंचे ने त्यारबाद एक भव्य रोड शो योजाशे। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी आज अयोध्या प्रवासे, अयोध्यावासियों ने अनेक विकास कार्यों की भेट आपवामाटे वडाप्रधान अयोध्या पहुंचे। आ दरमियान वडाप्रधान एक भव्य रोड शो योजाशे। लगभग 8 किलोमीटर लांबो आ रोड शो योजाशे अने तेने लईने तमाम तैयारी थी गई छे। अयोध्या रोड रस्ता की जो बात करवामां आवे तो रोड रस्ताओं ने फूलोथी शणगारवामां आव्या छे। वडाप्रधान आगमन करवाना छे ते एरपोर्ट ने पण फूलोथी शणगारी देवामां आव्यु छे अने वडाप्रधान ना हस्ते आज नवनिर्मित एरपोर्ट अने रेलवे स्टेशन नुं लोकार्पण थशे। आ साथे ज भव्य रोड शो योजावानो छे। रोड शो ने लईने तमाम तैयारीओ थई गई छे। उल्लेखनीय छे कि अयोध्यामां राम मंदिरनी प्राण प्रतिष्ठाना दिवसो नजीक आवी रह्या छे। और फिर राम जी का इतना बड़ा सा मंदिर, उसके बाद फिर हम अयोध्या निवासी, सारी चीजें एक साथ, हमारे पास खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं। थैंक यू। चलो एक बार जयकारा लगा दो, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, जानकी नंदन की जय। नरेंद्र मोदी जी का आगमन है, सभी तैयारियां की जा रही हैं, बड़ी सौगातें देंगे अयोध्या वासियों को, कैसा लग रहा है? देखिए, भव्य दिव्य अलौकिकता का वातावरण पूरा बना हुआ है। जैसा कि पूरे देश दुनिया की निगाहें अयोध्या जी के, भगवान श्री राम जी के भव्य दिव्य रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की ओर लगी हैं, और लंबी प्रतीक्षा के बाद वो क्षण नजदीक आ रहा है, और जैसे जैसे क्षण नजदीक आ रहा है तो लगातार लोगों का उत्साह बढ़ रहा है। उसी क्रम में आज माननीय प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, हम लोगों को बहुत बड़ी सौगातें देने वाले हैं, चाहे रेलवे की हों, स्टेट गवर्नमेंट की तमाम योजनाओं की हों, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की हों, या विकास की तमाम परियोजनाओं हों, नई ट्रेन देने की हों, और साथ ही साथ यहाँ एक विशाल जनसभा को भी आज संबोधित करने वाले हैं, रोड शो का भी आयोजन है। तो आज बहुत आशा भरी नज़रों से, उत्साह के साथ लोग यहाँ आ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री को सुनेंगे भी, देखेंगे भी, और एक बड़ी सौगातों का आनंद भी लेंगे।
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે અયોધ્યા આવવાના છે. તમામ તૈયારીઓ થઈ ગઈ છે. વડાપ્રધાનના આગમનની હવે રાહ જોવાઈ રહી છે, ઘડીઓ ગણાઈ રહી છે. આજનો દિવસ ઐતિહાસિક કહી શકે. અયોધ્યા નગરીને ફૂલોથી શણગારવામાં આવી છે અને અયોધ્યાવાસીઓને આજે અનેક વિકાસ કાર્યોની ભેટ વડાપ્રધાનના હસ્તે મળશે. તો સ્ટેશનના પ્રથમ ફેઝનું લોકાર્પણ થશે. રાજશ્રી દશરથ મેડિકલ કોલેજનું લોકાર્પણ પણ વડાપ્રધાનના હસ્તે થશે. 2 લાખથી પણ વધુની જનમેદનીને સંબોધન કરશે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી. તો 241 કરોડના ખર્ચે રેલવે સ્ટેશનના પ્રથમ ફેઝનું લોકાર્પણ આજે પીએમના હસ્તે.